क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन गिवन है यूजिंग के मैप, के मैप के थ्रू हम कोई भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस कैसे करूँगा। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बार बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। ए बार इसका मतलब ए क्या है, ए सॉफ्ट फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, और सॉफ्ट फॉर्म में क्या होगा, अगर ज़ीरो होगा तो ए बार होगा, अगर वन है तो क्या होगा ए होगा। या फिर कहे बार इसका मतलब ज़ीरो ज़ीरो, ए बार मतलब ज़ीरो, बी बी मतलब ऑन, या फिर कहे ए बी इसका मतलब ऑन ऑन हो गया। इसका क्या है, ये बाइनरी इक्विवेलेंट। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो का ए ज़ीरो होता है, या ए क्या होता है ज़ीरो ऑन का ऑन, और ए क्या होगा थ्री, ठीक है हो गया। तो इसको अब हमको अगर मिन टर्म्स, अगर मिन टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ मिन टर्म्स ज़ीरो ऑन थ्री। अब इसको क्या करना है, हमको के मैप में प्लॉट करना है, और इसका स्क्वायर क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर, वेरिएबल का है टू वेरिएबल, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 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 बार एन, एन क्या है नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब टू टू बार टू, इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल फोर, सॉरी नंबर ऑफ स्क्वायर फोर, तो स्क्वायर फोर हो गया। या फिर क्या है ए बी, एक क्या है ज़ीरो वन, एक मतलब ज़ीरो वन वन। अब देखो इसका बॉक्स का नंबर पुट कर दूंगा, ज़ीरो वन टू थ्री। हमारा सॉफ्ट फॉर्म में क्या होगा, आउटपुट ऑन ऑन होता है ना जब सॉफ्ट फॉर्म, इसका मतलब ज़ीरो ज़ीरो पे ऑन होगा, ऑन पे आउटपुट ऑन होगा, थ्री पे आउटपुट ऑन होगा, ज़ीरो इसका मतलब यहाँ पर ऑन होगा, ऑन पे ऑन होगा, यहाँ पर ज़ीरो, थ्री पे क्या होगा आउटपुट ऑन होगा। अब इसको हमको क्या करना है, अगर रिड्यूस करना है, ठीक है के मैप के थ्रू, इसको एक है हमारा के मैप, तो फिर हमको इसको इसका ग्रुपिंग करना होगा। ग्रुपिंग देखो एक ग्रुप हो गया ऑन ऑन का ग्रुप करना होगा, एक ग्रुप ऑन, एक ग्रुप हो गया, ठीक है एक है ग्रुप टू। अब देखो ग्रुप ऑन पे क्या है, ग्रुप ऑन पे यहाँ पर ए का वैल्यू देखो, या ए का वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, बट बी का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पर ज़ीरो था यहाँ पर ऑन हो गया, ए का वैल्यू कांस्टेंट क्या है ज़ीरो, जो कांस्टेंट है उसको हम लेंगे, ठीक है ज़ीरो है, ज़ीरो है मतलब क्या होगा, ज़ीरो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहाँ पर देखो इस ग्रुप टू में देखो एक ग्रुप ऑन है, और ग्रुप टू में देखो, ठीक है ग्रुप टू में क्या है, बी का वैल्यू ऑन कांस्टेंट है, देखो बी का वैल्यू यहाँ पर भी ऑन है दोनों का, और ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पर जीरो था यहाँ पर ऑन हो गया, ठीक है इसका मतलब बी का वैल्यू ऑन, इसका वो कांस्टेंट रहे चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ले लेंगे हम ऑन, अगर ऑन होगा तो क्या होगा ये सिर्फ बी होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा इसका रिड्यूस फॉर्म निकल जाएगा, तो क्या है रिड्यूस फॉर्म, एफ इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी, ए प्लस क्या है ऑड ऑपरेटर हो गया, और इसको हम सिंबल में लिखेंगे तो क्या होगा ए और ऑपरेटर और गेट, ये क्या है ए बार ए बी, आउटपुट क्या होगा ए बार प्लस बी हो गया हमारा, ए रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म कितने आसानी से निकल ले। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख लो।